गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द पोइट्री ऑफ फ्लामिंगो बुक, दैट इज क्लास 12th। एंड द नेम ऑफ दैट पोइट्री इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, विच इज रिटन बाय जॉन्स कीट्स, हु वॉज ब्रिटिश रोमेंटिक पोइट एंड ट्रेंड एज अ सर्जन, बट decided to devote himself wholly to poetry। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि जॉन कीट्स क्या कौन है। एक रोमेंटिक पोइट, ब्रिटिश पोइट हैं, और जिन्होंने वो सर्जन के लिए ट्रेंड हुए थे, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया अपने आप को कि पूरा डिवोट कर दें पोइट्री की ओर। ठीक है, इनकी कई मतलब इनके जो कुछ सीक्रेट हैं, जैसे कि हिज पावर टू स्वे द एंड डिलाइट द रीडर्स। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी अपनी क्वालिटी को शो किया है, ठीक है, अपने रीडर्स के लिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी भी यहाँ बताया जा रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा के लिए एक जॉय होता है, यानी कि किसी भी चीज़ की ब्यूटी तो वो एक इंजॉयबल होती है, ठीक है, हमेशा के लिए। कैसे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई पेड़ है, देयर इज़ अ ट्री, कोई ट्री है, और उसके नीचे जब आप लोग बैठ जाते होंगे तो वो आपको एक छाया देती है, शेडो देती है। तो जिस तरह से नेचर का जो वो भी एक ब्यूटी में आता है, जो ब्यूटी में आता है पेड़ पौधे, जब हम पेड़ों के नीचे सो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वाइटनेस मिलती है, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट विल बी रियली गुड फॉर अस। और वो जो फीलिंग आती है वो नेचर की ब्यूटी है, ठीक है, वो कुदरत का एक करिश्मा है, वही कुदरत का एक क्या है, खूबसूरती है। तो पोइट इसमें यही बताना चाह रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, किसी भी चीज़ की अगर ब्यूटी होगी वो जॉय होती है हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसमें बता रहे हैं, और उसकी लवलीनेस बढ़ती जाती है, इट विल नेवर पास इन टू नथिंग लेस, ठीक है, और ये कभी मतलब इट विल नेवर पास, ये कभी बोरियत फील नहीं होती है, यानी कि कभी भी इसमें ये नहीं होता कि वो नथिंगनेस में कन्वर्ट हो जाए, नथिंगनेस में पास हो जाए, ठीक है, यानी कि जब छाया है वो छाया छाया में ही रहेगी। पेड़ बड़ा होगा तो छाया जो शेडो है, शेडो भी थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, ठीक है। बोअर का मतलब यहाँ होता है एक शेडो ही बोलते हैं, जैसे कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हम लोग को क्या करेगा, एक बहुत शांत तरीके की एक शेडो हम लोग को देगा, एंड अ स्लीप, और जिसमें हम लोग सो सकते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मतलब बहुत सारे सपने, बहुत सारे मीठे सपनों के साथ, हेल्थ, और ये हमें हेल्थ भी हम लोग की मेंटेन करता है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जहाँ हम लोग बड़े आसानी से, बड़े शांत तरीके से सांस ले सकते हैं। Therefore, इसीलिए on every morrow को हम लोग मॉर्निंग भी बोल सकते हैं या tomorrow, दोनों यूज़ हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि हर सुबह के कल में या हर कल में आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, जैसे कि हर सुबह जैसे ही हम लोग जागते हैं या हर कल में हम लोग जागेंगे तो हम लोग क्या हो रहे थे, ब्रीदिंग का मतलब होता है हम लोग बुनते हैं, क्या बुनते हैं, एक फ्लावरी बैंड, यानी कि एक फूलों की माला अपने पृथ्वी को बांधने के लिए, अर्थ को बांधने के लिए। अब इसका मतलब ये हो जाएगा भाई, पृथ्वी को कैसे बांधने के, मतलब यहाँ है कि हम लोग हर सुबह जो उठते हैं, और उससे क्या होता है, यहाँ पॉइंट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम हर सुबह उठकर अपनी पृथ्वी को की देख रेख करते हैं, ठीक है, और उस पर ही सोते हैं, फिर उसके बाद फ्लावर्स को हम लोग अपनी पृथ्वी में जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हो गए, उनको पानी देते हैं, ठीक है, और उसकी केयर करते हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो पृथ्वी पर जीवित रह रहे हैं तो वो हमेशा के लिए हम लोग जीवित पृथ्वी पर ही रहें, हमारी पृथ्वी को कुछ ना हो। जैसे कि आप लोग को 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ था, द एलिंग प्लानट, ठीक है, तब हमारी जो पृथ्वी की कंडीशन क्या हो रही थी, डिक्लाइनिंग हो रही थी, बिल्कुल करेक्ट, डिक्लाइनिंग हो रही थी। जब वो डिक्लाइनिंग हो रही थी तो हम लोग को क्या करना ज़रूरी था, हम लोग को अपनी पृथ्वी को बचाना ज़रूरी था। तो पोइट भी यही बता रहे कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो एक माला बुनने लगते हैं
और उस माला से हम अपनी पृथ्वी को बांध देते हैं, यानी कि ग्रीनरी के बारे में यहाँ बात हो रही है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, तो यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वी से हम लोग को बंधे रहने के लिए, यानी कि पृथ्वी पर हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए हम लोग को क्या करना है, कोई भी चीज़ हो उसकी ब्यूटीनेस को पहचानना है, ठीक है। बिकॉज अर्थ इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है, इट्सेल्फ, क्योंकि पृथ्वी भी हमारे नज़र में एक ब्यूटीफुल थिंग है। और पृथ्वी पे जो चीज़ ग्रोथ करती है, लाइक प्लांट्स हो गए एंड आपके ट्रीज हो गए, तो वो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सुहावना टाइप का एक इन्जॉयमेंट हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आगे बात करते हैं, इसमें क्या बात हो रही है। स्पाइट का मतलब यह हो गया, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस का मतलब दुखी, यानी कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, दुखी होने के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्ट, ठीक है, इन ह्यूमन यानी कि थोड़ा सा क्रूअल टाइप के जो इंसान होते हैं उनका, और अननोबल नेचर्स, यानी कि बता रहे हैं कि पृथ्वी पर दुख होने के बावजूद और क्रूअल टाइप के जो इंसान होने के बावजूद, इसका जो जो नेचर है वो कितना नोबल टाइप का है, ठीक है। ऑफ ग्लूमी डेज, और जो आने वाले और जो दिन हैं, तो जो ग्लूमी डेज है हमारे लिए, जो ग्लूमी का मतलब होता है उदास टाइप के, बेकार टाइप के जो दिन होते हैं, ठीक है, वो भी जो पृथ्वी है उनको सब क्या करती है, बियर करती है, और हम लोगों को हर एक अपनी ब्यूटी की क्वालिटी को शो करती है। क्योंकि नेचर में क्या होता है, आपका जो नेचर है, नेचर यानी कि कुदरत, आप देख लीजिए पृथ्वी पर किस तरह की आप हम लोग आप पॉल्यूशन मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल, इन सभी के बावजूद भी वी आर लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, फिर भी हम लोग ऐसे बुरे दिनों पर भी पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, ठीक है, अनहेल्दी यहाँ पर यहाँ हो गया ऑफ ऑल अनहेल्दी, यानी कि अनहेल्दी भी हैं, ठीक है, ओवर डार्केंड वेज का मतलब ये हो गया कि ऐसे काले बादल जो हमारे ऊपर आ जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं कहीं हम लोग को कभी कभी कई तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वी आर लिविंग इन कोरोना डेज, आजकल हम कोरोना के दिनों में रह रहे हैं, तो ये भी एक पृथ्वी पर क्या है, एक ओवर डार्केंड वेज पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो सर्च को क्या करता है, सर्च को बना देता है। सर्च मतलब यहाँ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, तो यहाँ पॉइंट एक बार एक चीज़ और बता रहा है कि इन लाइन को थोड़ा सा हम और पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि बताया जा रहा है कि इतने दुखों के बावजूद भी, ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन डर्ट, यानी कि डर्ट का मतलब होता है लेक, कमी, शॉर्टेज, ठीक है, इनह्यूमन यानी कि क्रूअल, ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन डर्ट ऑफ नॉबल नेचर्स, यानी कि यहाँ पर इतने क्रूअल टाइप के जो लोग हैं वो यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ इंसानों की क्या है, अच्छे इंसानों की कमी है इस नेचर पर, फिर भी हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस ग्लूमी डेज में पृथ्वी पर भी हम लोग जीवित रहना चाहते हैं। पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, ठीक है, अनहेल्दी यहाँ बताया जा रहा है कि इतने अनहेल्दी कंडीशंस यहाँ पृथ्वी पे हो गई हैं, और इतने जो डार्केंड वेज भी हो गए, इसके बावजूद भी हम पृथ्वी पे क्या रहना चाह रहे हैं, हम लोग बने रहना चाह रहे हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम अपनी इतनी अपनी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, उसमें हम लोग पृथ्वी के साथ कितना छेड़छाड़ कर चुके हैं पृथ्वी के साथ, फिर भी हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग क्रूअल जो अनह्यूमन है वो पृथ्वी पर बने रहना चाहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सभी के बावजूद। तो देखो यहाँ पर आपको ऊपर अब कुछ पृथ्वी की खूबियाँ बताई गई थी कि स्वीट ड्रीम्स में हम लोग जब पेड़ों के नीचे सोते हैं तो हमें एक फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स आते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, क्वाइट ब्रीथिंग तरीके से सो लेते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पृथ्वी की कुछ उसके साथ जो हो रहा है उनको हम लोग एक्सप्लेन करें कि हम लोग ने पृथ्वी के साथ एक्चुअली किया क्या है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल, ठीक है, जो शेप ऑफ ब्यूटी हमारी जो पृथ्वी की कुछ ब्यूटी है वो क्या कर चुकी है, अब बिल्कुल पेल हो चुकी है, पेल यानी कि पीली टाइप की हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट,
हमारे अंदर का जो डार्क स्पिरिट है, यानी कि हमारे जो क्रूअल टाइप की जो हरकतें हैं, उनके वजह से हम लोग ने अपनी पृथ्वी को कहीं ना कहीं खो रहे हैं। सच दरअसल, ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि थोड़ा सा हमें बता रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं, डार्क स्पिरिट होने के बावजूद भी हम लोग को कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिली हैं, जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, ट्रीज ओल्ड हो गया, द यंग स्प्रॉन्टिंग और शेडी बोन्स, यानी कि बता रहे हैं कि ये सब हमें एक वरदान के रूप में मिले हुए हैं। कैसे सूरज हमें मिला हुआ है, मून मिला हुआ है और ट्रीज ओल्ड ट्रीज मिले हुए हैं, ठीक है, और स्प्रॉन्टिंग और शेडी बोन्स, शेडी बोन फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप यानी कि हम लोगों के लिए इस तरह से नेचर ने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया है जिसका हम लोग शायद ही अपने जीवन में उनका महत्व पहचान पाए, ठीक है। तो पोइट यहाँ सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं उनकी क्वालिटी के बारे में, सूरज की क्वालिटी, कि पृथ्वी के साथ हमने कितना गलत किया, हम लोग कितना गलत करते भी हैं, उसके बावजूद हम पृथ्वी पर बने रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं और कहीं ना कहीं हम लोग क्रूअल भी साबित हो जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कितनी हम लोगों के मतलब ब्यूटीफुल चीज़ों को, हमने पृथ्वी की ब्यूटीफुल चीज़ों को देखा, कुछ एडवांटेजेस देखे और कहीं ना कहीं हम पृथ्वी के साथ थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। तो इन सब के बावजूद, ठीक है, इन सब की ब्यूटीफुल जो चीज़ें होती हैं, हम जब भी पृथ्वी की कोई ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे ऊपर से जो डार्क जो बादल होते हैं, जो गम के बादल होते हैं, वो हटा देती है कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज़, ठीक है। अब यहाँ ब्यूटीफुल चीज़ को किससे कंपेयर किया गया है, पोइट ने ब्यूटीफुल चीज़ को कंपेयर किया है, गाइज आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए हम आपको एक लाइन कर देते हैं। तो ये जो एक ब्यूटीफुल चीज़ हो गया, एक सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज़ हो गया, यंग स्प्रॉटिंग शेडी बोन्स हो गए, ये पृथ्वी के द्वारा दी गई एक खूबसूरती है, जो कि जिनको देखकर हम अपने आप से कुछ जो बुरे ख्यालात होते हैं, बुरे हमारे ऊपर बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, उनको हम लोग कहीं ना कहीं से हटा देते हैं। अब काले बादल का मतलब आप समझ जाइए, काले बादल का मतलब यहाँ पर हम लोग अपने गम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वॉट इज़ द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग पृथ्वी के साथ रहना चाहते हैं तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए आगे चलना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं, और उन खूबसूरत चीज़ों को देखकर हम अपनी जो भी पेल्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल, ठीक है। तो पृथ्वी की कुछ ब्यूटी हैं जिनको देखकर हम अपना पेल को दूर कर देते हैं, गम के बादलों को दूर कर देते हैं, और वो किससे एक्सप्लेन किए गए हैं, सूरज से, चांद से, पेड़ों से, ठीक है, और यंग जो बच्चे हैं वो भी पृथ्वी की एक देन है, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अब पृथ्वी की देन कैसे आ जाएंगे, ठीक है, इट इज़ अ बिग इश्यू, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये छोटे से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अगर हम लोग पृथ्वी पर ना होते तो जीवन भी नहीं हो पाता, ठीक है, कहीं ना कहीं पृथ्वी ने ये बहुत ज़्यादा नेचर दिया। अगर हम लोग पृथ्वी पर आए तो हम लोग फिर लाइफ में आए, हम लोग एग्जिस्टेंस में आए, तब यहाँ पे यंग का यूज़ किया गया। स्प्रॉटिंग शेरी बोन्स, और शेरी बोन्स का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो हमें वहाँ पर क्या होता है, एक आशीर्वाद दिया जाता है हमारे ब्यूटी के द्वारा, ब्यूटी यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की जो ब्यूटी है उसके द्वारा हम लोग को एक आशीर्वाद दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, एंड सच आर डेफोडिल्स, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जो ब्यूटी थिंग्स हैं वो क्या हैं, डेफोडिल्स। डेफोडिल्स आप लोग जानते होंगे, डेफोडिल्स कैसे होता है, ये एक येलो कलर का एक फ्लावर्स होता है जिसको हम आप लोग को यहाँ दिखा देते हैं। अब देखिए ये आप लोग जानते होंगे इसको, ये डेफोडिल्स होता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी की क्वालिटी को कैसे एक्सप्लेन किया गया, यानी कि इसकी खूबसूरती डेफोडिल्स से भी एक्सप्लेन की गई है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की खूबसूरती है वो क्या है, सच इज़ सच आर डेफोडिल्स विद अ ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है, विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो डेफोडिल्स जो है हम लोग पृथ्वी के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, वो कैसा है, वो ग्रीन वर्ल्ड की तरह है और उसमें डेफोडिल्स भी रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब आप देख लीजिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, रिल्स का मतलब स्मॉल स्ट्रीम,
स्मॉल स्ट्रीम का मतलब एक छोटा सा झरना झरना होता है, ठीक है, दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है कवर्ड का मतलब कवर करना है, ढकना, ठीक है। मेक जेंट्स द हॉट सीजन, यानी कि जो एक छोटा सा झरना निकलता है, कहाँ से निकलता है, एक ग्रीन जो जंगलों से एक छोटा सा झरना निकलता है, वो भी हमारी पृथ्वी की एक खूबसूरती खूबसूरत चीज़ है, जो कि नहरों से निकलता हुआ, ठीक है, एक ठंडा मौसम हम लोग को देता है गर्मी के टाइम में, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जब भी झील वगैरह चलती है, तो अगर आप जंगल में जाओगे तो एक छोटा सा झरना होता है, ठीक है, पानी बह रहा होता है, उसकी आवाज़ और उसकी बहने की जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत ज़्यादा बहुत क्लियर दिखाई देता है। दूसरी बात, हम लोग को बहुत अच्छा महसूस होता है उसको देखकर, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ठीक है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। यहाँ बता रहे हैं कि एक मिड फॉरेस्ट क्या होता है। मिड फॉरेस्ट हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जंगल की जो अंदर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग को ये आपको दिखती हैं, ये जो ग्रीनरी जो पौधे दिख रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग इसके अंदर भी जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें एक ब्यूटीफुल थिंग्स ये भी नज़र आती है कि पृथ्वी ने हम लोग को कितनी अच्छी ब्यूटीफुल थिंग्स दी हैं, जिनको हम लोग शायद पहचानने से महरूम रह गए हैं, ठीक है, पहचान नहीं पाए। तो हम लोग देखते हैं हम लोग ने क्या चीज़ अभी पता कर ली, कितनी चीज़ें हम लोग पता कर चुके हैं कि पृथ्वी की कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटी हैं। पहला तो हो गया द सन, ठीक है, उसके बाद द मून, फॉर ट्रीज़ हो गया, स्पॉटिंग शेडी बोन्स हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था डैफोडिल्स बताया था, ठीक है, ये भी पृथ्वी की एक खूबसूरती चीज़ है। और उसके बाद तो हमने बताया था आप लोगों को फॉरेस्ट ब्रिक, जो भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ये भी क्या है, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, इसमें से भी एक फूलों की खुशबू आती है, ठीक है, जब हम लोग अंदर जाते हैं तो किस तरह से फूलों की खुशबू आती है ये आप देख पाएंगे, ये इस तरह से यहाँ पर इन फूलों की खुशबू आती है यहाँ पर, ठीक है, ये फ्लावर्स दिए हैं जहाँ हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में बताया जा रहा है कि जब जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो मस्क रोज़ ब्लूम्स आती है, यानी कि हल्की सी गुलाबों की खुशबू। एंड सच टू इज़ द ग्रेनडियर ऑफ द डोम्स, ठीक है, यहाँ डोम्स का मतलब होता है एक मौत, यानी कि अगर एक पृथ्वी की एक और खूबसूरत क्वालिटी है कि मौत, जब भी कोई चीज़ आती है दुनिया में तो उसको मौत का सजा मौत का जो मज़ा होता है चखना ही पड़ता है, ठीक है, तो पोइट ने मौत को भी क्या किया, एक ब्यूटी दी है, ठीक है, क्योंकि अगर दुनिया में कोई मतलब ये सिस्टम होगा ही नहीं, मतलब कोई ख़त्म ही नहीं होगा, तो दुनिया में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो ये दुनिया में जो जन्म दर है और मृत्यु दर है ये, ठीक है, आगे बढ़ती रहती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि सपोज़ मान लो कि अगर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं एक बहुत शक्तिशाली मौत के बारे में, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और यहाँ बता रहे हैं कि जो मौत के बारे में, माइटी डेड का मतलब वो होता है जो हमारे हीरोज़ वगैरह होते हैं जो सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने देश को बचाने के लिए, दे लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द फॉर सेविंग द कंट्री टू दे सेक्रीफाइस देमसेल्फ, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और यहाँ पर भी एक ये भी ब्यूटी है हमारी, याद रखना ये भी माइटी डेड हमारा एक ब्यूटी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और उसके बाद यहाँ दिया गया है ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव रीड हर्ड और, मतलब हम लोग जो अभी भी बहुत प्यारी सी जो कहानियाँ होती हैं जो सुन चुके हैं, ठीक है, और जो पढ़ी हुई हैं, आपने देशभक्ति की कहानी सुनी होगी, चंद्रशेखर जैसे हमारे शहीद भगत सिंह हुए, गांधी जी हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, इन सब ने अपने देश को बचाने के लिए और जो भी अदर अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, तो ये भी एक पृथ्वी के मतलब पॉइंट के लिए क्या है, एक पृथ्वी की ब्यूटी थिंग्स है। एंड एडलैंड, अब यहाँ बताया जा रहा है, पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी ने हमें कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स दी हैं, उनको हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको वन बाय वन, ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे नंबर वन यहाँ देखिए, सबसे पहले तो है आपका सन, ठीक है, द सन हो गया, लिस्ट ऑफ थिंग्स ब्यूटी, ठीक है, मेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, द सन हो गया, द मून हो गया, शेडी ट्रीज़ हो गया, ब्यूटीफुल डेफोडिल्स फ्लावर्स हो गए, ठीक है, और स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, बताया था ना मैंने स्ट्रीम्स ऑफ वाटर,
ठीक है, डेंस ग्रीन बुशेस ऑफ फॉरेस्ट वेयर अ फ्रेग्रेंट मस्क रोज ग्रो, ठीक है, गहरे जो जंगल होते हैं उनमें खूबसूरत मतलब एक प्यारी सी रोज़ की खुशबू भी आती है। और उसके बाद है टेल्स ऑफ हीरोइक मैन हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री और फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान को गंवा दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को दिखी हैं, इन सारी चीज़ें ये क्या बता रहे हैं, ये सारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये क्या करती हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये बिल्कुल एक ऐसा मतलब फाउंटेन, एक फव्वारा है जो कि हम लोगों के लिए एक इमॉर्टल ड्रिंक्स मतलब इमॉर्टल ड्रिंक्स का एक फव्वारा है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, प्यूरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जो कि ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, हेवेंस का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग के किनारे से बिल्कुल हम लोग के ऊपर गिर रहा है ये। तो ये क्या है, ये सारी पृथ्वी की ग्रेटनेस है, पृथ्वी की ब्यूटीनेस है जो एक स्वर्ग से एक पॉरिंग यानी कि हम लोग के ऊपर एक झरना टाइप का गिर रहा है, मतलब पृथ्वी की जो क्वालिटी है वो एक स्वर्ग, हम लोग ने उसको किससे कंपेयर कर दिया, स्वर्ग से कंपेयर कर दिया है, ठीक है। तो इतनी सारी क्वालिटी स्वर्ग से हमारे ऊपर एक झरने के तौर पर गिरती आ रही है और हम लोग इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आई होप सो आप लोग को कहानी जो पोइट मैंने आप लोग को पढ़ाई है, ठीक है, पोएम आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे इसमें ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।